तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पाशा साहब को तुम्हारी दिमागी हालत पर शक हो गया है। तुम तो चुप ही करो, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मैंने क्या किया है? तूने क्या किया है? हाँ। अगर उस दिन तुम पाशा साहब को ना लेकर आते ना वहाँ पर, तो ये सारा फसाद ना शुरू होता। और क्या? What else you want me to do? चुप, बस को लड़ना, जरा के बैठो तुम, इसका मैं खून भी जाऊंगी। अब ये सोचो कि करना क्या है। कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, अगर अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो। थैंक यू। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं जा रहा हूँ। सोच लो, अगर मैं जीत गई ना तो 10% तुम्हें दूंगी, और 10% बल्कि 5%, और बिजनेस में अपना पार्टनर भी बनाऊंगी यार तुम दोनों को। कौन सी जीत, भूल जाओ सब। बिल्कुल, अभी तुम्हारी ना किसी माकूल किस्म के लड़के से मंगनी होने वाली है, तो तैयार हो जाओ। पहली बात तो ये कि मंगनी तो मैं हरगिज नहीं करूंगी, और दूसरी बात, गेम शो में तो मैं लाजमी जाऊंगी, बस पहले कुछ पैसों का इंतजाम कर। ऐसे नाम का क्या फायदा है जिसमें इतने पैसे लगाने पड़ रहे हैं और इनाम की कोई गारंटी भी नहीं? मेरे भाई, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और वैसे भी बिजनेस में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। और ये पाकिस्तान है, कनाडा नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। ओके, तो यार उम्मीद, तुम एक काम करो ना, तुम बस या ट्रेन में सफर क्यों नहीं कर लेती? क्यों चले जाऊं मैं बस या ट्रेन में, जब ये लाइफ जहाज में कनाडा जाकर फेल हो सकता है, तो मैं जहाज में इस्लामाबाद जाकर जीत क्यों नहीं सकती? और वैसे भी मेरा जहाज में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा, और आगू जान मुझसे बहुत प्यार करती है, वो नहीं माने। जाऊंगी तो मैं जहाज में, और जीत कर आऊंगी। अच्छा, फिर एक ही रास्ता बच गया। पहली बार तूने काम की बात की है, बताओ क्या? अपना गुर्दा बेच दो। तेरा गुर्दा ना बेच दूं? हाँ, और तुम दोनों ने हमेशा बकवास ही करनी है। निकलो, निकलो कमरे से, मैं खुद सोच लूंगी। ठीक है, बस छोड़ दो उसको। अर्ज किया है शॉल, स्वेटर, जैकेट, मफलर, सब मुंह माया है, ठंड का असल इलाज बस पाया है, आप लीजिए। नहीं, नो थैंक यू, मैं डिनर बाद में करूंगी रीना और फरजाद के साथ। अच्छा, फरजाद मान गया क्या? नहीं, मगर रीना तो मान गई। माँ बाप फरजाद भाई और रीना की बात रहने भी देना। बिल्कुल ठीक कह रही है, जब कुछ होना ही नहीं तो उसके बारे में सोच के अपने आप को हलकान करने की क्या जरूरत है? आपको सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। अब तो आपका गेम शो में दोबारा शामिल होना नामुमकिन है। करके दिखाता हूँ। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, मैं बुरा क्यों मानूं? आप ये सब बातें छोड़े असद, आप भाई को मनाने की कोशिश करें ना। शायर अपनी कोशिशों में नाकाम होने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा है कि निगो जी, आप ही हैं वो जो हमारा कुछ कर सकती हैं, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं, आप ही हैं वो जो हमारी जिंदगी में रंग बिखेर सकती हैं, आप ही हैं वो जो हमारी अंधेरी जिंदगी में उजाला कर सकती हैं। कैसा दिया? ऑल इन वन, सब कर भी तो सकते हो। अब तो मैं प्रोड्यूसर से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। सारे मिलके बोलो, मैं कहता हूँ सोच लो। मेरे ख्याल से रीना आ गई है। यूं ना चाहो, यूं ही बैठी रहो, यकीन करो अकेले में बहुत दिल घबराता है। कहाँ से खाना स्टार्ट करूं? सर आप क्या बोलते रहते हैं, मुझे तो आपकी बातों की कुछ समझ नहीं आती। अरे आपको समझ आ जाएगी, पहले खाना खा लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे। वाह।